दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए हैं बहुत सारी वैकेंसीज लेके। जैसे कि आप देख रहे हो मिश्र धातु निगम लिमिटेड में वैकेंसी आपको दिख रही है। इस तरीके से दो तीन नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो जूनियर टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसीज हैं, ऑपरेटर्स के लिए वैकेंसीज हैं जो आपको अलग अलग CNT, CNC, ऑपरेटर हाइड्रोलिक, ऑपरेटर ऑटोक्लेव, जूनियर आर्टिशियन वेल्डर, जूनियर स्टाफ नर्स, इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई हैं। यहाँ पे आपका CTC बता दिया गया, सभी का अलग अलग CTC बता दिया गया है। आपकी एज लिमिट 9/1/2021 के हिसाब से काउंट की गई एज अलग अलग बता दी गई, आप देख रहे हो सामने। यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियंस के लिए जो है दोस्तों एक्स सर्विसमैन विद 60% मार्क इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग जो भी आपसे रिलेटिव है बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेटर फ्लूइड बैग डायरेक्टर फॉर CNT प्रोडक्शन, 60% मार्क्स इन डिप्लोमा इन मेटलर्जी केमिकल इंजीनियरिंग भी चलेगा, मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेटर जो CNC के लिए है, यहाँ पर दोस्तों 60% मार्क्स मांगा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए जो बता दिया गया। ऑपरेटर हाइड्रोलिक प्रेशर, जहाँ पर दोस्तों SSC 10th विद मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड ऑपरेटर जो भी आपको रिलेटिव बता दिया गया, या आपके पास SSC प्लस ITI एनी ट्रेड विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है ऑपरेटर ऑटो क्लब, जहाँ पर SSC 10th विद मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया, या आपके पास SSC पर IT किसी से भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर आर्टिशियंस वेल्डर के लिए वैकेंसी, जहाँ पर SSC 10th विद 4 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसीज हैं, जहाँ पर दोस्तों BSc नर्स इंटरमीडिएट विद GNM ग्रेजुएट विद EMT और इक्विवेलेंट की क्वालिफिकेशन है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो चलेगा, यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझा दिया गया है कैसे कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 15%, एक्सपीरियंस 15 मार्क्स दोनों में, रिटन टेस्ट यहाँ पर बता दिया गया है, ट्रेड टेस्ट उसका भी बता दिया गया है, टोटल इस तरीके से 100 मार्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें के हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ये जनरल कंडीशंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करते हुए ही इस फॉर्म को सबमिट करना है। इसका लास्ट डेट है दोस्तों 23/1/2021। अप्लाई ऑनलाइन इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना रहेगा www.mihani-ind.in, उसमें कैरियर में जाके ई रिक्रूटमेंट्स में चले जाओ, वहाँ पे आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये 9/1/2021 शाम को 5 बजे से ओपन हो चुका है, तो मैं आपको लेके चलूँगा इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने एक लिंक खोली है ERCRUIT.AP.NIC.IN, जैसे ही खोला तो मेरे सामने इस तरीके का आया। तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अप्लाई पे प्रेस कर सकता हूँ। देखो मैं आपके सामने प्रेस कर दे रहा हूँ, मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मुझे वो चाहिए नोटिफिकेशन तो मैं यहाँ से नोटिफिकेशन ले सकता हूँ, और ये अगर मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है तो मैं लॉगिन यहाँ से कर पाऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अप्लाई पे मैंने प्रेस कर चुका हूँ। अब देखो मेरे यहाँ पे आ गया, जैसे मेरा एडवर्टीजमेंट नंबर मेरा क्या है, मेरा एडवर्टीजमेंट नंबर ये है और मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो भी अप्लाई कर रहा हूँ वो डाल दूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ मैं सारा फॉर्म सबमिट कर दूँगा, सारी डिटेल्स, और मैं नेक्स्ट वैकेंसी तरफ चलता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर देख रहे होगे आप CMTI में वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे ड्यूरेशन 2 ईयर
और फर्स्ट क्लास आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे प्रोजेक्ट फेलो के फर्स्ट के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन 1 ईयर, फर्स्ट क्लास बीई बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ प्रोजेक्ट फेलो 1, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास MEMTech इन मेट्रोनिक। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों फेलो सेकंड के लिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्लास BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों प्रोजेक्ट फेलो सेकंड, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे दोस्तों PF के लिए सेकंड के लिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया, 2 साल का एक्सपीरियंस। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन हैं। मैं आपको फाइनली मैं आपको बोलूँ तो मैं इस नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा उसकी तरफ बढ़ूँगा, जहाँ से आप सारी की सारी क्वालिफिकेशंस का किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं वो पा सको। इसकी ये दोस्तों इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना और फॉलो करना है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पूरी चीज़ें बता दी गई हैं कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर सीधा सीधा देखो, इच्छुक उम्मीदवारों के अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को विधिवत भरकर जो अपना है PDF और साथ ही वर्ड दोनों प्रारूपों के साथ अपने व्यक्तिगत बायोडाटा मतलब और प्रमाण पत्र को 29/1/2021 से पहले पहले आपको recruitment.cmti@nic.in पे भेज देना है। और एरियल फॉन्ट के 12 आकार में भरा जाना है आवेदन जो है, सीधा लिखा है। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को इजीली भर पाओगे, और ज़्यादा जानकारी लेना है तो इसका नोटिफिकेशन नंबर आपको बताइए, इसे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी विजिट करके और वहाँ से आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के और आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों हम चलते हैं। जल्दी जल्दी बनना दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ वॉकिंग इंटरव्यू आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये वॉकिंग इंटरव्यू है। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मैनेजर माइनिंग के लिए, तो यहाँ पे BE BTech माइनिंग इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास MMCC एक्सपीरियंस, मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे बाकी की सारी कंडीशंस आपको बता दें, किस किस का नॉलेज होना चाहिए, IT सॉफ्टवेयर वगैरह का आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट डिप्टी मैनेजर जो है माइनिंग के लिए क्वालिफिकेशन में BE BTech इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद सेकंड क्लास MMCC 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे आपको नॉलेज IT सॉफ्टवेयर का होना चाहिए। पैकेज आपको बता दें, मैक्सिमम एज लिमिट 35। नेक्स्ट है 4 मैन, यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है, और क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा माइनिंग विद आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट माइनिंग मेट, यहाँ पे दोस्तों HSC विद माइनिंग मेट सर्टिफिकेट आपको बता दिया गया। नेक्स्ट आता हूँ ब्लास्टर, तो यहाँ पर HSC विद ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो डिप्लोमा माइन से मांगा गया है, माइनिंग इंजीनियरिंग में चलेगा, फ्रॉम किसी इंस्टीट्यूट से ICT से अप्रूव होना चाहिए। इसका जो दोस्तों इंटरव्यू टाइमिंग दिया हुआ है सबका अलग अलग आप देख पा रहे हो, सबकी लोकेशन दी हुई है, तो आप यहाँ जाके इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करते हुए जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या क्या हैं, किसी क्राइटेरिया फुलफिल हम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें देख के ही आपको वहाँ पर अटेंड करने जाने हैं। इस तरीके का ये एप्लीकेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ये साथ में आपको लेके जाना है। और CV वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है वो, और उसका जीरोक्स जरूर शर्ट बना के लेके जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नए नोटिफिकेशन लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।